दलित आदिवासी किसान की जमीन पे कब्जा कर लो है, किसान भूख हड़ताल पे बैठे। छतरपुर जिला की राजनगर तहसील की ग्राम पंचायत राजगढ़ टपरियन के दलित आदिवासी किसानन की जमीनन पे दबंग। विशेष आयकर आयुक्त श्रीनिवासन जो दिल्ली में पदस्थ अधिकारी, उनके गुंडन ने कब्जा कर चारों ओर से तार फेंसिंग करी है। रनगुआ बांध की नहर भी खोद गई। अब आगे के किसानन का सिंचाई के लाने जो है पानी नहीं मिल है। दलित आदिवासी किसानन ने थाने से लेके कलेक्टर SP तक शिकायत कर चुके हैं, लेकिन कोनो भी अधिकारी ने किसानन की समस्या को हल नहीं करो। किसानन ने मजबूर होके राजगढ़ सरपंच रमेश बिल्ला के संग भूख हड़ताल पे बैठने पड़ो। किसान भूख हड़ताल पे बैठे हैं। अगर किसानन की जमीन दबंग आयकर आयुक्त से मुक्त नहीं कराई जात तो 30 तारीख का रमेश बिल्ला सरपंच के नेतृत्व में किसानन के संग गांव के लोग चंद्रनगर में चक्का जाम करे हैं। आपका नाम भैया? नथू। कौन जाते हैं? कहाँ के निवासी हैं आप? क्या समस्या है आपकी? जमीन की है जी, समझ लिया। क्या है जमीन को, क्या हुआ आपकी? वो ले लिया ना, वो हमें जबरदस्ती करी उस पर। अच्छा, हम ये बता रहे थे हमें राजस्थान मालूम, मतलब जबरदस्ती। आपने फिर इसके बाद कोई रिपोर्ट वगैरह दर्ज किया कराई कहीं पर? बहुत खूब सुनाव है। कहाँ कहाँ गए आप? राजनगर गए। अब राजनगर में होता रहा सुना, इसे तो कोई सुनते ही नहीं। इसके अलावा कहाँ गए आप? और छतरपुर गए। अच्छा, और कहाँ गए? और नहीं गए जी। आज कहाँ बैठे हैं आप? आज चंद्रनगर में बैठे। क्या यहाँ पर क्या हो रहा है? यहाँ चक्का जाम हो रहा है। चलो धन्यवाद। कहाँ की हैं आप? के रहने वाली। क्या समस्या क्या है आपकी? हमारी जमीन खरीद लिया उसने, ले लिया दूसरे की जमीन, लिया है हमारी हड़पते। बताओ हम क्या खवाएंगे अपने बच्चों को? किसने ले ली जमीन आपकी? दिल्ली का कमिश्नर है, मोनू है मरला का। तो आप लोग आज कहाँ बैठे हैं? आज कहाँ बैठे हैं? यहाँ पे बैठे हैं चंदनगर पे। क्या आज कोई हड़ताल वगैरह करेंगे? भूख हड़ताल कल करेंगे, आज नहीं करेंगे तो कल करेंगे। वैसे हमारी कोई सुनाई उनाई ना होगी। हम सारी जगह फिरे आए, राजनगर फिरे, खजरा फिर, छतरपुर तक फिरे आए, बमीठा फिरे, कहाँ कहीं सुनाई ना होगी तो हम कल हड़ताल मचा देंगे। चलो धन्यवाद। आप लोग बैठे हैं, पहले तो आप अपना नाम बताइए। अहरवार रमेश प्रसाद बिल्ला, सरपंच ग्राम पंचायत राजगढ़। क्या समस्या है? समस्या ये है कि दिल्ली के कोई अधिकारी है, इनकम टैक्स अधिकारी, और मोनू अमरे मरला, इन लोगों ने जमीन ले रखी है महादो घाट के पास जी। तो गरीबों की जमीन छीन ली इन लोगों ने जी। क्या किया है, जैसे लल्ले अहरवार नथुआ अहरवार ने जमीन की रजिस्ट्री नहीं करवाई, उसके खेत के चारों तरफ इन्होंने 4 फुट गहरी नाली खोद दी। फसल नहीं बे पाए, फसल नहीं बे पाए तो लड़के बच्चे क्या खाएंगे? मिट्टी खाएंगे। इस तरह से कब तक? कई आवेदन दिए कलेक्टर, ASP, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, राज्यपाल, हर जगह दिए हैं और किसी तरह से कहीं सुनवाई नहीं हुई। तो फिर आवेदन दे करके, ज्ञापन दे करके भूख हड़ताल पर बैठ गए। तो अभी तक कोई अधिकारी आया आपके पास? अभी कोई अधिकारी नहीं आए हैं। कब बैठे हैं आप? अब आज बैठे हैं, आज सुबह से बैठे हैं। मतलब जब तक आपकी समस्याओं का समाधान नहीं होगा तब तक आप बैठे रहेंगे? समस्या का समाधान हमारा ये है कि आज देखते हैं, कल देखते हैं, और जब नहीं होगा तो कल हम चक्का जाम करेंगे, मजबूर कर देंगे। क्योंकि हम मजबूर हो रहे हैं, जब फसल का उत्पादन नहीं होगा तो खाएंगे क्या? इनके बच्चे भूखे मर जाएंगे, इसलिए हम चक्का जाम कर देंगे। तो अधिकारी आएंगे और सुनेंगे, मौका देखेंगे, मौका के हालात देख करके, जांच करके हमारी समस्या का निदान हो जाएगा। चलो धन्यवाद। आप खास खबर बुंदेलखंड चुपल के संवाददाता अधिमान्य पत्रकार राजीव शुक्ला की। ऐसी खबरें जानने के लिए बने रहे सिर्फ बुंदेलखंड चुपल पे शिवांगी तिवारी के साथ। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल का सब्सक्राइब, वीडियो का लाइक, कमेंट और शेयर करना बिल्कुल ना भूले। धन्यवाद। जय राम जी की। जय बुंदेलखंड।